भारतीय क्रिकेट टीम के पेस बॉलर मुकेश कुमार की शादी संपन्न होने के अगले दिन ही सुबह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मैच में भाग लेने के लिए रवाना हो गए थे। मुकेश कुमार और दिव्या सिंह की शादी 28 नवंबर को गोरखपुर के निजी बैंक्वेट हॉल में धूमधाम से शादी संपन्न हुई। यहां पर वैदिक मंत्रों के साथ उनका शादी समारोह संपन्न हुआ और इसके बाद मुकेश कुमार और दिव्या सिंह एक दूसरे के जीवन संगिनी बन गए। लेकिन उनके जीवन संगिनी बनने से पहले भी इनके लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। 4 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और आखिरकार इनका प्यार परवान चढ़ गया। क्रिकेटर मुकेश के करीबी उनके मित्र बताते हैं कि आज से 4-4.5 साल पहले मुकेश कुमार अपने चचेरी भाई के ससुराल छपरा में किसी पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हुए थे। वहीं पर उन्हें चचेरे भाई की शाली दिव्या सिंह से पहली मुलाकात हुई थी। पहली नजर में ही दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा और धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया दोनों को पता ही नहीं चला। क्रिकेटर मुकेश कुमार के काफी करीबी दोस्त बताते हैं 4.5 साल तक दोनों एक दूसरे से बात करते थे। क्रिकेट के प्रैक्टिस के दौरान कभी कभी उनकी मुलाकात भी हो जाती थी। प्यार के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की और संग संग जीवन बिताने की कसमें खाई। मुकेश और दिव्या सिंह ने अपने वादे पूरे किए और बीते 28 नवंबर को दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी बन गए। मुकेश कुमार ने ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। मुकेश अपने पैतृक काकड़कुंड गांव में ही रहकर गांव की गलियों में क्रिकेट खेलते थे और फिर उसके बाद भी संघर्ष के बल पर पश्चिम बंगाल के साथ जुड़े। मुकेश कुमार का जब से भारतीय टीम में चयन हुआ है उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज मुकेश कुमार भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे पेस बॉलरों में एक हैं। मुकेश कुमार के इस प्यार की दास्तान को बहुत कम ही लोग जानते हैं। वही बात करें तो शादी समारोह में पहुंचे मेहमानों और मेहमानों के लिए बनाए गए खास व्यंजनों की तो यहां बड़े ही लजीज और कई तरह के वैरायटी के आइटम शामिल किए गए थे। मुकेश कुमार के करीबी और क्रिकेटर अमित कुमार सिंह बताते हैं कि 27 नवंबर को सगाई समारोह पूरा हुआ और 28 नवंबर को उनकी शादी संपन्न हुई। शादी को लेकर सारी तैयारी का जायजा मुकेश कुमार खुद देखरेख कर रहे थे। गोरखपुर के होटल में उनकी शादी समारोह की तैयारी की गई थी जहां पर लखनऊ, नेपाल, वाराणसी सहित कई जगहों से शेफ बुलाए गए थे। खाने में नॉन वेज से लेकर भेज तक कई तरह के व्यंजन शामिल किए गए थे। अमित कुमार सिंह के मुताबिक व्यंजनों में चिकन के कई आइटम थे, मटन और फिश के साथ प्रॉन्स के भी कई आइटम शामिल किए गए थे। भेज खाने में कई तरह के आइटम जिसमें मशरूम और पनीर के अलावा कई तरह की सब्जियां थी। करीब 32 तरह के खाने के सामग्री मिठाइयों को मेहमानों के लिए सजाया गया था।